याद दिला दिया तुझे। समझ में आया बेटा सबको व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? हाँ ठीक है, लिखेंगे सर। लिखेंगे। टेम्परेचर इज, लिखेंगे आंसर लिखिए। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आता? हाँ, नाइन्थ में आप लोग को आता होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस सर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, फुल स्टॉप। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक समझता ना? काइनेटिक एनर्जी बेटा फिजिक्स में हो रखा होगा तब तक तो। हाँ सर, हाफ एम बी स्क्वायर, बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ परफेक्ट, तो पता है। तो नाउ फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, ड्यूरिंग एवापोरेशन, ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स, ड्यूरिंग एवेपोरेशन पार्टिकल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी, ड्यूरिंग एवेपोरेशन पार्टिकल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी escapes from the liquid surface, escapes from the liquid surface, escapes from the liquid surface. comma comma particles with lower kinetic energy, particles with lower kinetic energy, particles with lower kinetic energy are left behind, particles with lower kinetic energy are left behind, full stop. As a result, as a result, average kinetic energy of liquid, as a result, average kinetic energy of a liquid, as a result, average kinetic energy of liquid decreases. Average kinetic energy of liquid decreases. Average kinetic energy of liquid decreases. Hence, full stop के बाद full stop. Hence, temperature also decreases. Hence, temperature also decreases. Hence, temperature also decreases. हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट।
तो एवेपोरेशन बेटा ओवर हो गया. एवेपोरेशन में किसी को डाउट है, कुछ भी टॉपिक छूट गया एवेपोरेशन का? नो सर. चलो एक जनरल इंफॉर्मेशन की बात है, वो पहले इसको खत्म करा देते हैं फिर बता देंगे. ठीक है, एसी के बारे में बताना था. नेक्स्ट हम लोग प्लाज्मा डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा डिस्कस करेंगे. देखिए क्या होता है प्लाज्मा. वी ऑल नो एटम्स हैव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर इक्वल. इलेक्ट्रॉन्स दे मोस्टली रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन दे आर मोस्टली इन न्यूक्लियस. मोस्टली ने ऑल ऑफ द प्रोटॉन दे आर इन न्यूक्लियस. What happens is an atom which is moving very 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 fast, बहुत तेजी से मूव कर रहा है. मान लीजिए कार है, कार बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है. तो पता क्या होगा, कार का वो जो सामने साइड में वो जो मिरर लगा होता है ना, जिसमें पीछे से देखते है कि गाड़ी आ रही है, निकल जाएगा टूटकर. निकल जाएगा. बहुत बढ़िया. वैसे ही जब ये एटम बहुत तेजी से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पीछे कहीं छूट जाता है. समझ में आया? तो नाउ अब क्या बन जाएगा, ये वाला एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा यार, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा. ये अपना ये इलेक्ट्रॉन अपना अलग घूम रहा होगा, ये अपना अलग घूम रहा होगा. दिस इज नोन एज एक्चुअली प्लाज्मा स्टेट. This is known as actually plasma state. Plasma state कब आएगा? Super energetic. समझे, कार बहुत तेजी से मूव करना, ये सौ ये माइकल शुमाकर वगैरह वाली कार ने उससे भी तेज, उससे भी फास्ट, F1 वगैरह कार से भी बहुत बहुत फास्ट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ ए रॉकेट या एरोप्लेन, तब ठीक है, तो तब ये काम होगा. तो दिस स्टेट ऑफ सुपर एनर्जी या सुपर 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 एक्साइटेड पार्टिकल्स वेयर दे आर सेपरेटेड इनटू अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज आयंस. वेयर दे एग्जिस्ट नॉट एज अ एटम, दे एग्जिस्ट एज आयंस. दिस इज आयनाइज्ड गैस. दिस आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस, आयनाइज्ड गैस. This is actually known as plasma state. Now, how do I separate this electron from atom? There is one way, either I can give it very, very high speed, or somehow I am removing this electron. या तो मैं इसको बहुत fast move कराऊँ या मैं इसका electron को बाहर निकाल लूँ. एक तरीका है electron को बाहर निकालने का, जरूरी नहीं कि इसको फास्ट मूव कराना है. एक तरीका है इलेक्ट्रॉन निकालने का, फिशिंग वाला नेट देखे है, वो स्ट्रिंग जिससे लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग रॉड को इलेक्ट्रॉन को दिखाइए, इलेक्ट्रॉन को फिशिंग रॉड में फंसाइए, बाहर निकाल लीजिए. आया ना? No, sir, how is it? फिशिंग रॉड से नहीं होगा काम? No. तो बहुत छोटा है ना. अच्छा चलिए ठीक है. लेट से यहाँ पे वेरी वेरी बिग पॉजिटिव चार्ज लगा दिए. आई ब्रिंग अ वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव चार्ज. अब होगा या नहीं होगा बेटा? यस सर. अब हो जाएगा. तो नाउ मैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट का बैटरी नहीं यूज करूंगा, मैं 1000 वोल्ट का बैटरी यूज करूंगा. More is the voltage, more is the chances of this separating out. मैं क्या करूंगा, एक ट्यूब लूंगा, एक बॉक्स लूंगा, इस बॉक्स में मैं गैस भर दूंगा, ठीक है, गैसेस होंगे ये. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैटरी अप्लाई करूंगा, यहाँ पर एक प्लेट रखूंगा और यहाँ पर एक प्लेट रखूंगा और मैं यहाँ पर बहुत हेवी बैटरी यूज करूंगा, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस गैस विल बिकम आयनाइज
एंड दिस विल बी नोन एज प्लाज्मा स्टेट. हाउ, ये कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज. यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज. सर देखो, हाँ बोलिए सर, तब सारा इलेक्ट्रॉन्स वही वो बैटरी के पास अट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा. हाँ, सॉर्ट ऑफ बेटा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इधर से वापस आ जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन विल जस्ट फ्लो लाइक वाटर. जैसे पानी मूव करता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. देयर विल बी ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग. हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इनफैक्ट हम लोग के पास ऐसा वाला ट्यूब है जिसमें जिसके अंदर हम लोग प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करेंगे. ठीक है, अपने पास ट्यूब भी है लैब में. हाँ सर, लैब सर बहुत अच्छा होगा. ठीक है, बट बेटा आपको आयनिक फॉर्म ऑफ गैसेस थोड़ी ना दिखेगा, आपको प्लाज्मा स्टेट समझ में आएगा होता क्या है. ठीक है, आपको ये गैसेस तो इनविजिबल होते हैं ना बेटा, बट हाँ आपको दिखेगा कुछ फ्लो कर रहा है. ठीक है, आप बहुत फेंट टाइप होगा. ठीक है, तेरे में बहुत अच्छा दिखता है. हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा ना पूरा. नहीं बेटा, प्लाज्मा उतना ब्राइट नहीं होगा. हम लोग मतलब उतना ब्राइट वाला यूज नहीं करते हैं. ठीक है, बट करेंगे हम लोग. ठीक है, उसको भी दिखाएंगे. तो नाउ वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस प्लाज्मा स्टेट इज ट्यूबलाइट्स. दे आर एक्चुअली प्लाज्मा लाइक कंडीशन इनसाइड दिस ट्यूबलाइट यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज बिटवीन दीज टू प्लेट्स. हमेशा बेटा ट्यूबलाइट में देखेंगे एक चोक बोला जाता है ना, चोक बोलते हैं ना. ट्यूबलाइट में क्या होता था, चोक बोलते ना. सर बोलते शायद. क्या आप लोग क्या मतलब घर में कुछ काम हम करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ आइडिया है? ट्यूबलाइट में पार्ट यूज होता है ना बेटा. हाँ सर, एक है. क्या होता है बीच में? एक बॉल टाइप, बॉल बोल रहे, एक सिलिंड्रिक टाइप का कुछ है, होता है. कुछ नहीं मालूम आप लोग को, चप्पल तक नहीं पता था. साइड में जो रहता है वो सर, साइड में वो जो पाउडर लगा रहता है, बैलेस्ट बोलते हैं बेटा. कुछ नहीं जानते आपको, दिखाता हूँ सर. एक क्वेश्चन है, प्लाज्मा ये बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहां पे प्लाज्मा बनता है, तो सर प्लाज्मा का टेम्परेचर से रिलेशन? बेटा अभी क्या बोले, कार को बहुत फास्ट मूव करना होगा, आया ना? यस सर. कार फास्ट मूव करेगा मतलब क्या, टेम्परेचर बहुत हाई है. अच्छा, इसे कहते हैं. ये देख रहे हैं जो बीच में, सर बीच में जो बड़ा हुआ. हाँ, बीच में जो बड़ा वाला होता है ना, इसी को चोक बोलते हैं हम लोग. और ये एक्चुअली इसका नाम बैलेस्ट है, बट ठीक है, हम लोग शुरू से चोक बोलते आए तो अभी भी चोकी बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड बैलेस्ट. ये बैलेस्ट बहुत जगह होता है. इनफैक्ट एलईडी वाला जो स्ट्रिप होता है ना, एलईडी का स्ट्रिप देखे है आप लोग? हाँ सर. कहाँ पर सर? एलईडी सर ऑटो में देखे हैं. ऑटो में देख ना सर, बहुत बार प्रोजेक्ट में भी यूज करना पड़ा है सर. सर छोटे जो रिमोट कंट्रोल कार होते हैं सर, उसमें भी कभी कभी लगा हुआ रहता है. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला एलईडी का स्ट्रिप, देखिए. ये दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है. यस सर. ठीक है, ये वाला होता है एलईडी का स्ट्रिप. इस तरफ पता है चोक लगाना पड़ता है. ठीक है, एलईडी ट्यूबलाइट आप बना सकते हैं. ये सस्ता तो नहीं मैं बोलूंगा, बट बहुत महंगा भी नहीं आता है. ये कितने का होगा? मुझे लगता है 45 रुपीस का होगा ये पूरा लंबा वाला. ठीक है, आप घर में आराम से बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये जो
बैलेस्ट या चोक का काम क्या है? बैलेस्ट या चोक जो होता है ना बेटा, ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है. दिस प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज, इसीलिए चोक हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है ये? यस सर. ट्यूबलाइट में कैसे आया? प्लाज्मा लाइक कंडीशन बाय यूजिंग हाई वोल्टेज. हाई वोल्टेज यूज ग्लो करता है. हाँ बेटा, उसीलिए उसके देखो मैंने बताया ना, अगर मान लो वो उसके ऊपर ना करते क्या ना, ग्लास के चारों तरफ ना व्हाइट पाउडर का कोटिंग होता है. लेट्स से अगर उसके चारों तरफ व्हाइट पाउडर का कोटिंग नहीं है, लेट्स से आई एम नॉट यूजिंग कोटिंग ऑफ व्हाइट पाउडर, देन दैट ग्लो विल नॉट बी दैट इंटेंस. That glow will not be that intense. It will be intense, but not that intense. Sir, you said that we need to use a very high voltage. So, sir, tube lights का उतना है, जैसे 1000 voltage का तो नहीं होता है, 1000 volt का. नहीं होता है बेटा 1000 volt का. और जैसे सर आप LED बोले तो LED तो बस 9 volts का होता है. नहीं नहीं, LED अभी हम लोग use करते हैं बेटा. बट एलईडी में जो वो वाला होता है ना, वो पावर डाउन के लिए होता है. एलईडी तो कम वोल्टेज में चलता है. एलईडी जो होगा ना बेटा, वो कम वोल्टेज में चलता है. एक मिनट. अच्छा सर, अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस और जो वॉट है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज से? नहीं हाँ, जो वॉट मतलब जो लाइट का वॉट है और अमाउंट ऑफ वोल्टेज उससे मैटर नहीं करता है बेटा, और भी चीजें होती है उसके साथ. Not only वो, एम्पीयर भी मैटर करता है. हाँ, मतलब एम्पीयर भी मैटर करेगा. Not only voltage. सर वो जो मैं टेम्परेचर वाला पूछ रही थी आप. बोलिए बेटा. सर वो जो टेम्परेचर वाला था, जो टेम्परेचर का कैसे कनेक्शन है? जैसे बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे अचीव होता है. हाँ बेटा, वही तो बताया. प्लाज्मा स्टेट के लिए आपको क्या करना है, कार को बहुत तेज मूव कराना है ना बेटा. और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इफ कार इज मूविंग फास्टर द टेम्परेचर ऑफ कार विल बी मोर. सर ड्यू टू? नहीं नहीं बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. अभी तो बताया था बेटा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, मोर इज द टेम्परेचर. उसमें मतलब वो रीजन नहीं है. दिस इज हाउ एक्चुअली टेम्परेचर इज डिफाइंड. दिस इज एक्चुअली टेम्परेचर का डेफिनेशन है ये, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, ठीक है बेटा. तो प्लाज्मा स्टेट हम लोग प्रैक्टिकली क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज यूजिंग वो आपका हाई वोल्टेज. ठीक है, मैं वही देख रहा था, अपने पास ट्यूबलाइट अभी यहाँ पर नहीं है, बट अगली क्लास में यहाँ पर होगा. एक्चुअली लॉकडाउन के समय सारा कुछ हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट किया था, माई स्कूल से पूरा माई स्कूल का सारा सामान शिफ्ट हुआ था, तो धीरे धीरे वापस आ रहा है. एनी हो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा प्लाज्मा स्टेट. ठीक है next. सर मैं वेटिंग रूम में हूँ सर. सर वेटिंग रूम. बिल्कुल बिल्कुल बेटा. नेक्स्ट. हाँ, तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में लिखना है तो लिखेंगे, लिखिए. प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ एनसीईआरटी वाला ही लिखते हैं बेटा, क्योंकि पूछेगा तो एनसीईआरटी से पूछेगा. कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. सुपर एक्साइटेड आयनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड गैसियस
particles. Gaseous particles. Gaseous particles. Sorry. But ionized bhul gaye batana na. Ionized gaseous particles. Ionized important hai beta. Ionized bada important hai. फ्लोरोसेंट ट्यूब बेटा वो ट्यूबलाइट का दूसरा नाम है नियॉन लाइट्स फ्लोरोसेंट ट्यूब्स नियॉन लाइट्स आर एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट आर एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट नियॉन लाइट ना धीरे धीरे गायब हो गया ठीक है नियॉन लाइट इंडिया में तो कभी था ही नहीं ठीक है इंडिया में मतलब बहुत कम जगहों में था दिल्ली वगैरह में था नियॉन लाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मूवी में आपको दिखता है हॉलीवुड की मूवी में इंडियन मूवी में नहीं सर साइन बोर्ड में रहता था हाँ 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 अच्छा मैं बताना भूल गया हमारे पास नियॉन लाइट भी है मैं तो ये भी नहीं पता था मुझे मैं भूल गया था अपने पास नियॉन लाइट दिखाइए हाँ बेटा दिखा रहे सर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स मतलब बेटा वही ना हाईली एनर्जेटिक है उसी का दूसरा नाम है सुपर एक्साइटेड बेटा मतलब इसमें आप वो मत सोचिए कि सुपर एक्साइटेड मतलब कि कुछ अभी के लिए ठीक है ये देख रहे बेटा पिज्जा लिखा हुआ है ना यस सर दीज आर नियॉन लाइट्स ठीक है पिज्जा लिखा हुआ है दीज आर नियॉन लाइट्स अच्छा सर ऐसे टाइप के हाँ ये काफी ग्लो करता है और ये ट्यूब होगा ठीक है पतला सा ट्यूब होता है ठीक है पतला सा ये ट्यूब होगा क्लियर है ये हाँ सर देखेंगे इंडिया में नहीं दिखता ठीक है इंडिया में बोर्ड्स होते हैं उसको लोग नियॉन लाइट से कंफ्यूज कर लेते हैं ठीक है बेटा ठीक है नेक्स्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लाइट्स आर एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट देखेंगे हाई वोल्टेज is high voltage is applied to create ionized gas in these equipments okay नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम Sun and stars glow because of presence of plasma in them. ठीक है नेक्स्ट चलिए प्लाज्मा हो गया प्लाज्मा स्टेट पता है
प्लाज्मा स्टेट ना, बहुत थिन प्लाज्मा सब ठीक है। बहुत थिन प्लाज्मा स्टेट जो है ना अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करता है, बहुत थिन होता है, सॉर्ट ऑफ वैसा ही आप समझ सकते हैं, उसके कारण आता है। ठीक है, ब्यूनिस अरोला वगैरह जो है ना उसे उसके दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मा प्रेजेंट इन आउटसाइड एटमॉस्फेयर। ठीक है, और वहां पे कैसे चार्ज होता है, देखो सोलर जो रेज होते हैं ना वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो जब पहली बार अर्थ को एंटर करते हैं ना तो अपना बहुत सारा एनर्जी जो है ना उससे आउटर एटमॉस्फेयर को हीट करते हैं, एज अ रिजल्ट दैट बिकम्स आयनाइज्ड, बट द आयनाइज्ड डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम होता है, इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज आयनोस्फेयर। ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, यस सर, आयनोस्फीयर वही चीज है। ठीक है, दैट इज द आयनाइज्ड पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, बट आयनाइज्ड पार्ट में उसमें आपको ध्यान रखना डेंसिटी उसका क्या होता है बेटा, बहुत बहुत कम होता है, बट हाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 2000 केल्विन 3000 केल्विन हो जाता है। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। In fact, ionosphere is very, very important for satellite communication or communication with mobile and tower. ये बहुत important होता है ionosphere. अगर वो नहीं होता तो ये satellite या wireless communication बड़ा difficult होता है। ठीक है, चलिए next है बेटा Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Now what is this? Condensate means lower temperature. Now what happened? Bose, he was Indian physicist. He first suggested that if I am increasing the temperature, let's say these are two atoms. Okay, these are two atoms. This is a 30 Kelvin, sorry, 300 Kelvin, ठीक है, 300 Kelvin. If I am decreasing the temperature of these 200 Kelvin, then what happens to particle? Particle can come closer, ये हम लोग animation में भी देखे थे, higher is the temperature, further will be particle, lower is the temperature, closer is the particle. Yes, sir. If I decrease yes, the temperature further, they will come closer. If I decrease this temperature further, they will come more close. But till now, these atoms, ये proton nucleus है, and this is atom. Structure of atoms सबको मालूम है ना बेटा थोड़ा बहुत? हाँ मालूम होगा तो। हाँ sir. हाँ ठीक है। धीरे-धीरे क्या होगा? ये atom पास में आते गए। एक point के बाद क्या होगा? Not only atom are coming closer, this proton will come closer and they will become one atom. समझ में आया बेटा? What is happening is protons now will fuse together. Normally atom दोनों आसपास चले जाते हैं, but उनका proton थोड़ी ना जुड़ता है, proton तो अलग-अलग रहता है. But now proton is fusing. This is actually known as BEC, Bose-Einstein condensate. ठीक है? तो लिखेंगे BEC is a fifth state of matter. BEC lump type का हो जाता है ना सर? क्या बेटा? थोड़ा सा lump type का हो जाता है ना सर? हाँ blob बन जाएगा बेटा, इसको blob बोलते हैं. लिखेंगे BEC is a fifth state of matter which is formed. BEC is a fifth state of matter. याद रखिएगा, प्लाज्मा को फोर्थ बोला गया,
BEC is a fifth state of matter. Which is formed when gas of low density is cooled to temperature close to 0 Kelvin. Close to 0 Kelvin. सर रिसेंटली मैंने गूगल न्यूज पर पढ़ा था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है बीईसी वो स्पेस में पाया गया है. फिर से बोलिएगा बेटा. रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है ना बीईसी वो स्टेट स्पेस में पाया गया है. सर कोई डिस्कनेक्ट हो गया है. हाँ सर कोई डिस्कनेक्ट हो गया. सर ज्वाइन करना चाहता है. हाँ कर दिया. अरे रॉय. हाँ नहीं किसी ने डाउट पूछा ना फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाला कुछ. सर उसने कहा कि वो गूगल स्टोरीज में पढ़ी कि उसने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि स्पेस में भी बीईसी अवेलेबल पता चला है. अच्छा ओके. हाँ बेटा देखो ऐसा है ना कि कुछ प्लैनेट्स में मान लो कि टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होगा और गैसेस के डेंसिटी कम होगी. हाँ तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हाँ मिला होगा बीईसी. और बीईसी बेटा यहाँ पे लोग प्रैक्टिकली अचीव किए हैं. एंड फॉर अचीविंग बीईसी प्रैक्टिकली देखो लोअर टेम्परेचर अचीव करना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है. बट स्टिल सम साइंटिस्ट हैव प्रैक्टिकली क्रिएटेड या ऑब्जर्व बीईसी स्टेट and they were given Nobel Prize for this achievement. ठीक है इतना आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है. बट अगर आपको ध्यान रखना है तो Nobel Prize ये आपके उसमें NCERT में लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा. ठीक है वही आपको नाम याद रखना है. क्लियर है बेटा. BEC समझ में आ गया. BEC में किसी को डाउट आप दो लोग को ठंडा करते रहिए वो लोग चिपकते जाएंगे. ठीक है मान लीजिए बहुत ठंड हो समर्स में क्या होता है दूर दूर लोग रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो हीट हो जाता है ना बसों वगैरह में बहुत क्राउडिंग में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है. बट विंटर्स में प्रॉब्लम नहीं होती है. विंटर्स में क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा आसपास भी कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है. तो लोअर टेम्परेचर है पीपल कैन कम क्लोजर. ठीक है और ठंड और कम कर दीजिएगा और क्लोज आ जाएंगे और कम कर दीजिएगा और क्लोज आ जाएंगे. बट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में समझिए बात को टेम्परेचर लो कर देंगे पीपल विल कम क्लोजर बट दे विल बी टू पीपल और कम करेंगे स्टिल दे विल कम क्लोजर दे विल बी टू पीपल. नाउ व्हाट बीईसी सेज आप टेम्परेचर को बहुत कम कर दीजिए दिस टू पीपल विल बिकम वन दे विल हैव वन स्केलेटन. समझे दिस इज एक्चुअल बीईसी. They will have one nucleus. They will. Sir, मैंने पढ़ा था कि sir 22 state of matter होते हैं. Sir, उतना होते हैं सच में? कितने? Sir, 22. 22. हाँ sir. नहीं बेटा वैसा नहीं है. वो सारा theoretical है. Means we haven't observed all those states. Okay sir. Sir, observed नहीं है तो पता कैसे? बेटा वो calculation से और किससे? We know things, for example, black hole. We have been knowing black hole since 1920, but हम लोग कभी observe भी नहीं किए थे. अब धीरे-धीरे चीजें observe हो रही ना. समझे बात? Yes sir. Mathematical. Sir रामानुजन ने sir equation से पहले ही बता दिया था black hole के बारे में. हाँ, calculation से बताया था ना. Second आप वो समझिए Mendeleev ने Mendeleev के बारे में सुने पीरियोडिक टेबल के बारे में. हाँ सर. यस कुछ एलिमेंट उसने पहले ही बता दिए थे कि आने वाला है. यस ठीक है तो ये सारी चीज है. ठीक है चलिए.
सर लेकिन एलिमेंट का नाम वो पहले कैसे बता सकते हैं जब तक वो आया भी तो नहीं। नाम तो नहीं बताया था ना बेटा, नाम कुछ भी रख दीजिए आप। देखो बेटा नाम तो आप रखते हो ना, मैंने आज से ही नाम रख दिया उस एलिमेंट का। अब जाइए, अब तो फिर उसी का नाम हो गया ना। वो प्रॉपर्टीज वगैरह मालूम नहीं होंगे या मालूम होंगे तो पूरे नहीं मालूम होंगे, बट नाम तो रख ही सकते ना। नहीं रख सकते नाम बताइए, ऐसा तो नहीं है ना। नाम तो आप आज भी रख सकते हैं। ठीक है चलिए, अब मूवी बनी नहीं है, नाम तो पहले रखी जाती है मूवी की। मूवी का नाम पहले आता है ना बेटा, लोग किताब नहीं लिखते है, उसके पहले किताब का नाम लिख देते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट बेटा, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा एसी कैसे काम करता है, एयर कंडीशनर। देखिए देयर आर टू वेज ऑफ कूलिंग। वन वे इज एवापोरेशन, विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन आई कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। तो वाटर कूलर जो काम करते हैं ना बेटा, वो एवापोरेशन के बेसिस में काम करते हैं। वाटर कूलर operates on the basis of evaporation. But आपके refrigerator, AC plus deep freezer, these do not work on the principle of evaporation. They work on the principle of compression. ना, इसका मीनिंग क्या है समझिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस खाली समझ लीजिए बेटा। आप कभी भी टायर से हवा निकाले, किसी का बाइक का टायर से, किसी के स्कूटर के टायर से, या बस या ट्रक के टायर के हवा निकाले? अच्छा ये बताइए, जब उससे एयर लीक करता है, कभी फिंगर को उसके सामने रखे है तो अब ये बताइए फिंगर में सेंसेशन कैसा होता है? हॉट वार्म सेंसेशन होता है या कोल्ड सेंसेशन होता है? कोल्ड। बताइए बेटा। तो ठंडा। बेटा आपको ठंडा लगेगा, ठीक है, ठंडा लगेगा, ठीक है। अब आप समझिए, ये टायर है, बस का टायर है, ठीक है। बस के टायर से अगर हवा निकालिएगा ना, तो आपको इतना ठंडा लगेगा कि आप हाथ वहां रख नहीं पाएंगे बहुत देर तक, ठीक है। एलपीजी आपके घर में पहुंचाने आता, तो एलपीजी चेक होता है, वो नॉजल को प्रेस करके चेक करते कि नहीं करते? यस सर, ऑलवेज ऑलवेज ना। ठीक है, काम कीजिएगा, जब वो नॉजल को प्रेस करेंगे ना, उसके सामने अपना हाथ रखिएगा, आप देखिएगा एक्सट्रीमली ठंडा लगेगा आपको, एक्सट्रीमली ठंडा। What happens is, कि whenever a gas is extremely, extremely closely packed, and due to some leakage या आपने इसमें किसी भी तरीके से इस गैस को बाहर निकाला, तो जब गैस बाहर आएगा तो that will spread out. Whenever gas at compressed state moves out into a much, much, much relaxed state, या बोलेंगे lower pressure, temperature of gas will always decrease. Compressed से expand करता है. Whenever a gas will expand, temperature will always decrease. ठीक है? सर ये thermodynamics का law है ना? हाँ. ठीक है. अब समझिए, AC में, refrigerator में हमेशा एक machine लगा होता है. नाम सुनो होंगे. नाम सुने? Compressor. कंप्रेसर कुछ नहीं कर रहा है बेटा, गैस को ठंडा कर कंप्रेस करता है, ठीक है। और फिर वो गैस थोड़ी देर के बाद सडनली रिलीज होता, सडनली बहुत तेजी से, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर गोस डाउन। ऑल योर कूलिंग एपरेटस ऑपरेट्स ऑन दिस कंप्रेसर प्रिंसिपल ओनली। कोई भी चीज अगर ठंडा करता है तो या तो वाटर कूलर वाला फेनोमेना है एवापोरेशन, या फिर कंप्रेसर, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ठंडा करने का। वी हैव मल्टीपल वेज टू हीट, हीटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, माइक्रोवेव है,
उसके बाद आपका गैस ओवन है, उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके बाद इंडक्शन है. देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर, बट दे आर वेरी 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 फ्यू वेज इन विच वी कैन डिक्रीज द टेम्परेचर. और कंप्रेसर के अलावा बहुत कम तरीके हैं जिससे हम लोग कूलिंग करते हैं. ऑनली कंप्रेशन होता है, उसको कंप्रेस कीजिए फिर रिलीज कीजिए, ठंडा हो जाएगा. बस ध्यान रहे, कंप्रेस करने से गैस गर्म भी होता है. When gas is compressed, it becomes hot, and when gas expands, it becomes cold. ठीक है, गैस कंप्रेस करने से वो हीट होगा, एक्सपैंड करने से उसका टेम्परेचर लोअर डाउन होता है. सर इसी वजह से एसी वगैरह से मतलब वो समथिंग कनेक्टेड रहता है जिससे हीट निकलता है. बिल्कुल, देखेंगे रेफ्रिजरेटर पीछे पूरा नेट लगा रहता है ना, जिसमें जिससे वो हीट का सिंक का काम करता है. देखेंगे रेफ्रिजरेटर के सामने लिखा रहता है, आजकल नया वाला रेफ्रिजरेटर में आता है, एट टाइम्स द एक्सटर्नल केसिंग ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर मे बिकम हॉट या वार्म एंड दिस इज नॉर्मल, देयर इज नो फॉल्ट इन दिस रेफ्रिजरेटर. देखिए लिखा रहता है ना, नया रेफ्रिजरेटर के सामने लिखा रहता है कि ये बाहर वाला केसिंग है वो नॉर्मली गर्म होगा और ये इसका नेचर है, इसमें फॉल्ट नहीं है. हमेशा याद रखिएगा, ये जो कंप्रेसर होता है ना, ये कूलिंग चेम्बर के बाहर होगा मशीन. दिस कंप्रेसर मशीन शुड नॉट बी इनसाइड कूलिंग चेम्बर. फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम आपको ठंडा करना है तो कंप्रेसर रूम के बाहर रहेगा. देखिए एसी में दो पार्ट होता है, एक घर के अंदर होता है, एक छत के ऊपर होता है. यस सर. ठीक है, वो कंप्रेसर बाहर रहना है. सेकंड है, एसी बेटा कहीं नहीं देखे होंगे कि घर के बीच में रूम के सेंटर में एसी नहीं होता है, एसी हमेशा वॉल पे होता है. कहीं देखे कि एसी जो होता है, एक देखे विंडो में एसी लगा दिया जाता है, आधा विंडो के अंदर आधा विंडो के बाहर, नोटिस किए है? आजकल कम हो गया बेटा, पता बहुत सारी चीजें ना, आप लोग की गलती नहीं है, बट बहुत सारी चीजें पहले से कम दिखती है. आप लोग देखिए, बहुत कम लोग शायद नोटिस करेंगे. मैं दिखाता हूँ आपको. सर आई हैव सीन दैट. हाँ सर, मैंने देखा है वैसा वाला एसी. हाँ मोस्टली देखे होंगे लोग. yes, नोट नहीं मैंने भी देखा. ये देखिए, ये वाला. yes, मैंने भी देखा. ये देखिए, देख रहे हैं ना? हाँ सर, देखे देखे, अभी भी मिलता है. हाँ सर, देखे है ये. हाँ ठीक है, अब बताइए कोई बेवकूफ होगा ना जो विंडो में एसी लगा रहा, घर के बीच में रखता कितना आराम से, जैसे टेलीविजन रखता है वॉल पे हैंग करके, ये आधा अंदर आधा बाहर. बहुत जगह तो पता क्या करते है, विंडो एसी खोल लेता है चोर और घर के अंदर घुस जाता है, मतलब विंडो एसी को ही बाहर निकाल लेता है वो. घर बंद करके चले गए, मान लीजिए 4-5 दिन के लिए आप वेकेशन में चले गए, ताला मार दिए, वो विंडो एसी हटाएगा, घर के अंदर घुसेगा, सारा सामान निकालेगा, फिर विंडो एसी को दोबारा वहीं रख देगा. पर इसमें करना जरूरी है बेटा, वो जो कंप्रेसर है इसके पीछे है, ये सामने नहीं है कंप्रेसर. कंप्रेसर घर के बाहर है इफेक्टिवली. उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में सर इतना इजीली ये निकल जाता है. हाँ आपको सही से नहीं लगाएगा बेटा, वो ना जो चोर लोग होते हैं बेटा, वो बहुत कुछ इजीली कर लेते हैं. अरे आपके घर में लगा हुआ, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, डरिए मत. ठीक है, आसनसोल के चोर इतने होशियार नहीं है. ठीक है, चलिए यहाँ बताए थे बेटा, रेफ्रिजरेटर में भी ये कंप्रेसर है, बट सब्जियां जहाँ रखते है ना, फ्रूट जहाँ रखते है, उसके अंदर कंप्रेसर बाहर है, पीछे की तरफ है. तो अगर आप रेफ्रिजरेटर को सोचेंगे कि घर के अंदर दरवाजा खोल के रख देते हैं तो घर ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है. आपको रेफ्रिजरेटर से अगर घर ठंडा करना है, रूम ठंडा करना है, देन वी हैव टू कट अ होल इन द वॉल और फिर रेफ्रिजरेटर को आधा अंदर आधा बाहर रखना होगा और फिर दरवाजा खोलना होगा. बिकॉज रेफ्रिजरेटर के एक साइड से क्या होगा, कूलिंग हो रहा होगा, बट दूसरे साइड से क्या हो रहा होगा, बैक साइड से
हीटिंग हो रहा होगा, तो ओवरऑल क्या होना है, ओवरऑल कुछ नहीं होना है, हीटिंग रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर दिखाते हैं देखे, ये वाला कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं दुकानों में दिखेगा आपको। हाँ सर, ये कंप्रेसर है एक्चुअली। हाँ सर, ठीक है, ये कंप्रेसर है, ये देखिए कंप्रेसर है ये, ठीक है। ये सर, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है? हाँ, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, देख रहे, पाइप अब जा रहा है, गैस को कंप्रेस करता है ये, और ये मोटर लगा हुआ है, समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ एक आध एक्सपेरिमेंट है वो दिखा देंगे, उसके बाद में अभी इसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि क्वेश्चन डिस्कस हो गया सारा? सर अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है बेटा, स्कूल में क्या क्या चैप्टर हो गया? सर स्कूल में सेकंड चैप्टर तक हुआ है, टू चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर चल रहा है। यस सर, टू चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। सर क्या करना है, मॉलिक्यूल्स चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है। तो स्कूल में क्या होने वाला है, सारा सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाएगा क्या? सर अभी तो ऑनलाइन टेस्ट है। सर टीचर बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। सर ऑफलाइन में स्कूल के टीचर्स बढ़ते ही नहीं, और ऑनलाइन में सिर्फ बढ़े जा रहे हैं। सर हम लोग का केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर ये भी चल रहा है, बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग चैप्टर है बेटा, बहुत बहुत। हम लोग का फर्स्ट टू चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट भी हो गया। अच्छा, नहीं सर हम लोग का ऑनलाइन है नेक्स्ट वीक, ना डांटना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। क्या हो गया था, बोल रहे थे कोई कुछ? यहाँ से सेकंड चैप्टर बड़ा बोरिंग सा टाइप का है सर, इतना ये मिक्सचर। सर ये मिक्सचर्स ये सब एक क्रोमैटोग्राफी न्यू है, लेकिन बाकी सारा ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। हाँ वो तो है। नहीं सर, क्रोमैटोग्राफी शायद हुआ था बचपन में एक बार, छोटे क्लास में वो आया था। क्रोमैटोग्राफी बेटा सिंपल है बेटा, हम लोग घर में भी मतलब करके देख सकते है, मतलब अभी शायद आप लोग ना कर पाए, बट जब लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो यहाँ करके देखेंगे, सिंपल होता है, 2-3 रुपए में क्रोमैटोग्राफी हो जाती है। मतलब बहुत सारा टेस्ट होता है ना, जो फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक में ब्लड टेस्ट वगैरह जो टेस्ट होता है वो क्रोमैटोग्राफी पेपर से किया जाता है, उसका कॉस्ट हार्डली 5 रुपीज आता है, बट वो 200-250 रुपए चार्ज होता है। मतलब सारे टेस्ट इतने सस्ते नहीं होते हैं, मतलब कुछ टेस्ट होता है क्रोमैटोग्राफी सिंपल है, मतलब इनफैक्ट आई कैन यूज दिस पेपर फॉर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और हो सके तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, और बायोलॉजी वाला जो प्रॉब्लम है बेटा, बायोलॉजी सर से शेयर कीजिए, संदीप सर से शेयर कीजिए एक बार, ठीक है।